ये मोती हमें समुद्र में पाए जाने वाले सीप के अंदर से मिलते हैं जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑयस्टर यानी सीप के अंदर ये मोती कैसे और किस चीज से बनते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, समय के साथ साथ एक सीप का साइज बढ़ना भी जरूरी होता है, इसीलिए सीप अपने हार्ड शेल को बनाने के लिए एक लिक्विड मटेरियल तैयार करता है जिसे नेकर कहते हैं। और मोती बनने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई बाहरी सब्सटेंस सीप के अंदर एंटर करता है। ये बाहर से आया हुआ सब्सटेंस सीप के अंदर इरिटेशन पैदा करता है जिस कारण सीप और ज्यादा मात्रा में उस लिक्विड मटेरियल को रिलीज करता है जिसकी लेयर से वो बाहर से आया हुआ सब्सटेंस ढक जाता है और इसके कई सालों बाद हमें सीप के अंदर से मोती मिलता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों सीप के अंदर से बनने वाले सारे मोती एकदम गोल नहीं होते बल्कि ये कई शेप में बनते हैं जिनमें से गोल वाले सबसे महंगे होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा मोती साल 1996 में फिलीपींस के एक मछुआरे द्वारा खोजा गया था जो करीब 2 फुट लंबा था और इसका वजन 34 किलो था जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ बताई गई। वैसे क्या आपने कभी सीप वाले मोती देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताना।